शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। आज दिनांक 5 अप्रैल 2020 को सभी घरों में दीपक जलाकर कोरोना के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हमारे पुलिस स्टाफ, मेडिकल स्टाफ आदि के लिए दीपक जलाए हैं। देखिए किस तरह सभी घरों में सजावट की हुई है, बहुत ही शानदार। लोग अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं, बहुत शानदार दृश्य है। यानी कि सभी लोग एकजुट होकर कोरोना का विरुद्ध लड़ाई लड़ने में सहमत है सभी, ये देखा जा रहा है। पाँच अप्रैल 2020 को लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाकर देखे किस तरह मोदी जी का सहमति प्रकट कर रहे हैं, मोदी जी के साथ में कह रहे हैं कि मोदी जी हम सब आपके साथ में हैं और हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। देखिए पूरे नगर में दीपक प्रज्वलित किए गए हैं और लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। देखिए कैसी रोशनी चारों तरफ गई है, सब ने अपने में घरों की लाइटें बंद कर दी हैं और दीपक प्रज्वलित किए हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार मिट्टी के दियों में दीपक जलाए हैं लोगों ने, टॉर्च या मोमबत्ती या मोबाइल की लाइट बहुत ही कम लोगों ने जलाई है। अधिकतर लोगों ने भारतीय परंपरा के अनुसार, ऋषि परंपरा के अनुसार मिट्टी के दीपक जलाए हैं। लोग कितने जागरूक हैं ये देखा जा रहा है। आज के दिन बहुत ही शानदार दृश्य है चारों तरफ का, दूर दूर तक दीपक प्रज्वलित किए हुए हैं। लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये तो एक दो सोसाइटी का ही सीन है, जब ऐसा सीन पूरे देश में देखा जाए तो कितना शानदार दृश्य होगा, कितना लुभावना दृश्य होगा। बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग एकजुट हो जाते हैं। इसी प्रकार हमें हमारे देश के वासियों से अपील करते हैं कि एकजुट बनकर रहें और कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ें। हमारे आसपास कोई भी कोरोना का मरीज दिखे तो सरकार को उसकी सूचना दें, अपने आप को बचा कर रखें। घर से जब भी बाहर निकलें मास्क लगाकर ही निकलें और सैनिटाइजर साथ में रखें, हाथों को बार बार धोते रहें। लोग अपनी देशभक्ति प्रकट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा शानदार।